सो ही गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्या बार बार वाई टू स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करने से आपका चैनल डेड होता है या ग्रो होता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर कहते हैं कि आप लोग को बार बार वाई टू स्टूडियो एप्लीकेशन को नहीं ओपन करना चाहिए, ये वाई टू स्टूडियो में ये करना चाहिए, वो ओपन करना चाहिए, इससे आपका चैनल ग्रो होगा। क्या वाकई में अगर बार बार आप लोग वाई टू स्टूडियो आप लोग ओपन करते हो तो क्या इससे आपका चैनल डेड होता है या ग्रो होता है? इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग को मैं बताऊंगा ना, अपना चैनल का मैं दिखाऊंगा कि मैं कितनी बार ओपन करता हूँ एंड मेरे चैनल पर भी क्या दिक्कत है एंड मेरे चैनल पर क्या कितना ग्रो हो रहा है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करते रहना, ठीक है? तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को हम सीधे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पर रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? वीडियोस काफ़ी टाइम टाइम बाद अपलोड हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आठ दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था, उसके बाद 2 हफ्ते पहले, उसके बाद 3 हफ्ते पहले, उसके बाद देख सकते हो मतलब कि बहुत दिन बाद बाद वीडियो अपलोड हो रहा है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे चैनल पर, देख सकते हो हमारे चैनल पर अभी व्यू एकदम से मतलब कि डाउन है अभी, मतलब ग्राफ देख सकते हो अभी व्यू का ग्राफ जो है अभी देख सकते हो, मतलब बराबर में चल रहा है, इक्वल में चल रहा है, मतलब अभी डाउन भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, मतलब जो कि वीडियो डेली अपलोड नहीं हो रहा है। एंड इसका कारण क्या है, मतलब स्टूडियो तो मैं भी बार बार ओपन करता हूँ लेकिन इससे जो चैनल डेड होता है, चैनल डेड नहीं होता फ्रेंड। आप लोग देख सकते हो मैं वीडियोज अपलोड नहीं कर रहा हूँ, फिर भी रियल टाइम भी ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है? आपको जैसे कि मैंने दिखाया कितने दिन पहले वीडियोज अपलोड हो रहा है, आपको मैंने दिखाया कि कितने कितने दिन बाद पहले वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है? कितने कितने टाइम बाद वीडियो अपलोड हो रहा है, लेकिन इससे कुछ हमारे चैनल पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि हमारा चैनल डेड हो। बल्कि मैं जितनी बार ओपन करूँ कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिल रहा है, आंसर के बाद में कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जानकारी मिल रहा है। तो चैनल यहाँ पर चैनल डेड नहीं हो रहा है, चैनल ग्रो के सिवा डेड नहीं होगा। यहाँ पर अगर बार बार ओपन करते हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोग को यहाँ पर सीखने के लिए ज़रूर मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाया हूँ कि यहाँ पर कौन से वीडियोज हमारे व्यूज आ रहे, ये सब सारी चीज़ें आप लोग चेकआउट कर सकते हो एंड नेक्स्ट टॉपिक जो आपको होगा वो फाइंड आप यहीं से कर सकते हो एंड कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है वो भी चीज़ आपको यहीं से पता चल जाएगा। तो आप लोग इसके चक्कर में मत रहना कि आपका चैनल डेड होगा, बार बार वाई टू स्टूडियो अगर ओपन करो तो आपका चैनल डेड होगा, तो आपका चैनल डेड नहीं, आपका चैनल ग्रो होगा। जितने बार ओपन करोगे कुछ ना कुछ चीज़ें आपको कौन से वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं वो सारी चीज़ आपको यहाँ से पता चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि बार बार वाई टू स्टूडियो ओपन करने से क्या दिक्कत आपके चैनल पे आएगा और क्या दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? सो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी वीडियो जिस चैनल पे मिलती रहेगी।